इन्वेस्टिगेशन में ये डायरेक्शन दिया कि सीबीआई पहले इसको मुलजिम को अरेस्ट करे, जितने केसेस हैं इससे कनेक्टेड उन सबको री इन्वेस्टिगेट करे, अगर जमानत कैंसिलेशन का को उचित समझती है तो मुलजमान की जमानत कैंसिल कराने का भी प्रयास करें, और दो तारीख लगाइए, दो मई लगाइए, हाई कोर्ट इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर करेगी, देखेगी सीबीआई की प्रोग्रेस क्या है इन्वेस्टिगेशन में, और ये सारा काम सीबीआई को सीआरपीसी के तहत करना है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और पॉस्को के विशेष तौर से जो प्राविधान है उनका उनको खास तौर से इसको फॉलो करना है। सर, ये विधायक की गिरफ्तारी पर क्या कहा कोर्ट ने? फौरन पकड़िए, ये तो गिरफ्तार गिरफ्तार नहीं है, अब वो फौरन एडवोकेट जनरल साहब को, सॉरी एडिशनल एडवोकेट जनरल को आदेश दिया कि आप फॉरन कम्युनिकेट करिए कि उनको अरेस्ट किया जाए। तो कौन सीबीआई करेगी या कि यूपी पुलिस? सीबीआई को कहा है कि सीबीआई तुरंत, क्योंकि केस ट्रांसफर हो गया सीबीआई को, तो अब सारे इन्वेस्टिगेशन के अधिकार सीबीआई को है, तो इसलिए अब सीबीआई ही उनको अरेस्ट करेगी।